अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विथ मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हम प्रॉन पाए बनाना आपको सिखाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। और हम फजी चॉकलेट केक बार्स बनाना आपको सिखाएंगे। सो यहाँ मैंने दो पैन्स रख दिए हैं हायर के इस कुकिंग हॉब पे, 3 बर्नर्स इन अ रो, ब्रास के बर्नर्स, टेम्पर्ड कांच, सेफ एंड स्मार्ट हॉब। अच्छा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ 8 ounces चॉकलेट है और मेरे पास यहाँ मक्खन है 170 ग्राम। इसको हमें एक पैन में डाल के पिघला लेना है। अच्छा, ये हो जाएगा। और दूसरे पैन में मैं रखूँगी चॉकलेट, अगेन 8 ounces, और ये 1 कप क्रीम है, गनाश बना देंगे इसके टॉपिंग के लिए जो हम फिर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बना के रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। छः अदद अंडे मैंने लिए थे, सेपरेट करके रख दिए हैं। सफ़ेदियाँ अलग हैं, जर्दियाँ अलग हैं। 1/4 कप सिर्फ इसमें फ्लावर जाएगा, ठीक है, और इसमें चीनी जाएगी 1 कप। चॉकलेट और मक्खन यहाँ पिघल रहा है, वहाँ चॉकलेट और क्रीम। जैसे ही चॉकलेट पिघल जाए बंद कर दीजिएगा, क्रीम में उबाल ना आए। ठीक है, ये ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। मक्खन और चॉकलेट पिघल जाए, थोड़ा सा आप इसने ठंडा करिएगा क्योंकि अंडे की जर्दियां इसमें जाएंगी तो ये बिल्कुल स्क्रैम्बल हो जाएगा। सबसे पहले 6 अदद सफ़ेदियों को इसमें डालिए और बीट कर लीजिए। ठीक है, फिर अंडे की जर्दियां लीजिए, 6 अदद जर्दियां जो हमने सेपरेट करके रखी थी। अच्छी तरह जर्दियों को फिर आप इसमें ये चॉकलेट और मक्खन जो ठंडा हो चुका है वो डालिए। और अच्छी तरह बीट कर लीजिए। फिर आप इसमें मैदा शामिल कर दीजिए और हल्के से आप इसको स्टर कर दीजिए। फिर जो 6 अदद सफ़ेदियाँ थीं वो हमने फोल्ड इन कर देनी है। ठीक है, कट एंड फोल्ड करिएगा इस तरह। जो डिश में आपने बेक करना है उसको आप रेडी कर दीजिएगा। मैं आज ये टिन यूज़ करने जा रही हूँ। सो टिन को हम ग्रीस करेंगे तेल के साथ या मक्खन के साथ और उसमें नीचे पेपर लगाएंगे। ठीक है, बेस में पेपर लगा दीजिए। और फौरन इसको प्री हीट किए हुए हायर के बिल्टिन अवन में रख दीजिए। हल्का सा आप बीटर चला लीजिए
ताकि सफेदियाँ अच्छी तरह अंदर मिक्स हो जाएं। ठीक है जी, इसको आप बेक होने के लिए रख दीजिए। बहुत कम इसमें मैदा है, ज़्यादा इसमें चॉकलेट है। बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप ट्राई करिएगा। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट का इस्तेमाल करिएगा तो अच्छी चीज़ बनेगी। ठीक है जी, एक टैप काउंटर पे एंड देन पुट दिस टू बेक। ओके जी, अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अब मैं बनाऊंगी प्रॉन पाय, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया था, ये प्री बेक करके रखना ज़रूरी है ताकि जल्दी से हो जाए हमारे शो में। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाना सिखाई है। क्या करना था, मैंने 200 ग्राम मैंने लिया हुआ था मैदा, छान के एक बोल में डाल दीजिएगा, चुटकी भर उसमें नमक डालिएगा, 100 ग्राम उसमें ठंडा मक्खन डालिएगा, 2 से 3 टेबल स्पून ठंडा पानी डालिएगा और आप उसमें एक ठंडा अंडा डालिएगा, ठीक है। मक्खन, अंडा और पानी ठंडा होना चाहिए। गूंद के रख दीजिएगा 2 से 3 घंटे फ्रिज में, क्लिंग लगा के फिर निकालिएगा, बेलिएगा, पाइप प्लेट में आप रख के उसको बेक कर दीजिएगा। अब मैंने इसको बेक करके रेडी करके रख दिया है। अब हम बनाएंगे इसका प्रॉन का फिलिंग। आप फिश के साथ भी बना सकते हैं लेकिन ये मज़ेदार सा प्रॉन पाए है, सो हम बनाते हैं अभी। मक्खन जैसे ही पिघल जाएगा लहसुन डालूंगी, शिमला मिर्च है, चिली सॉस है, प्रॉन्स हैं ऑफकोर्स, और छोटे प्रॉन्स भी ले सकते हैं, चॉप अप करके डाल सकते हैं। मैंने दरमियाने वाले लिए हुए हैं। अच्छी तरह डीवेन करिएगा, यानी कि प्रॉन में से यहाँ कट लगा के उसका काली जो वेन होती है ना वो निकाल दीजिएगा, और मैं यहाँ से भी साफ़ करती हूँ, तो ये वेन नहीं होनी चाहिए, साफ़ करिएगा। और इसमें हम डालेंगे चावल का सिरका, थोड़ा सा नमक, ब्राउन शुगर, चिकन स्टॉक क्यूब डालेंगे, सी फूड का स्टॉक हो तो वो भी डाल सकते हैं, चिली सॉस है, सोया सॉस है, हर चीज़ मिक्स करके एंड में हम इसको ठंडा करके एक अदद अंडा डाल के इस पाई प्लेट में जो मैंने प्री बेक किया हुआ है इसका शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री उसमें डालेंगे। ऐसे ही बनाइएगा, ट्राई करिएगा, और फिर इसमें कुछ पकने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, सब कुछ पका हुआ होगा, तो हम हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव में इसको डाल के बना देंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं केक बना रही हूँ, तो फजी चॉकलेट केक बार जो बन रहा है, बार इसलिए कि ये बड़े एक फैले हुए डिश में आप करिएगा इसको। लहसुन और मक्खन, शिमला मिर्च डाल दीजिए झींगे डालिए, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालिएगा इसलिए कि हम इसमें सोया सॉस यूज़ कर रहे हैं, और ये स्टॉक क्यूब भी, ठीक है। झींगों को एक तरफ से हो जाने दीजिएगा, झींगों को, चिकन ब्रेस्ट को, कलेजी को ओवरकुक करते हैं तो हार्ड हो जाता है, रबरी सा हो जाता है। थोड़ा सा आप इसमें राइस विनेगर डालिएगा, चावल का सिरका, और ये क्यूब डाल के बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत पानी नहीं डाल दीजिएगा, इसको पकने दीजिए। फिर इसमें आप थोड़ा सा सोया सॉस डालिए, चिली सॉस डालिए, मैं श्रीराचा चिली सॉस जो होता है तीखा वाला, थाई वाला, वो यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ साथ आप इसमें टमाटो पेस्ट डाल दीजिए, टिन में से जो निकलता है वो वाला, ठीक है। हर चीज़ चली गई, अच्छी तरह इसको पकने दीजिए। ब्राउन शुगर एंड में थोड़ी सी, बस अंडा रहता है जो हम ठंडा करेंगे इसको फिर डालेंगे। अब इस मिक्सचर को आप अच्छी तरह पका लीजिए, कच्चा ना रहे, झींगे बिल्कुल हो जाएं, ये जो इसका स्टॉक है, इसका जो सॉसेज हैं, सारा कुछ थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद हम इस पाइप प्लेट में जो हमने शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाई है उसमें डालेंगे और माइक्रोवेव में रख देंगे।
ये जो है गनाश पहले से बनाने का फ़ायदा ये है कि गनाश खुद ब खुद रूम टेम्परेचर पे देखें सेट हो जाती है. ये देखें ठीक है. प्रॉन्स जब कर्ल हो जाएंगे उनका कलर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रॉन्स आर डन. ओवर कुक नहीं करिएगा वरना वो हार्ड हो जाएंगे जी. इसको आपने बहुत अच्छी तरह इस मिक्सचर को ठंडा करना है. सो फॉर दैट मैं इसको यहाँ एक बोल में निकाल देती हूँ. इसके अंदर हम अंडा डालेंगे और फिर हम हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन में इसको बना लेंगे. ये अंडा जाएगा. अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिए और फिर इसको निकाल के यहाँ रख दीजिए. ठीक है. अच्छा और यहाँ आप देख सकते हैं हायर के बिल्ट इन ओवन में हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है, राइज हो चुका है. इसको हम चेक करते हैं केक को. थोड़ा सा बीच में से थोड़ा सा गीला निकला है स्कूअर, तो इसको भी हम होने देते हैं. और यहाँ हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन में हमारा प्रॉन पाई भी हो रहा है. तो ऐसे करते हैं हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं. हम क्लीन अप करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं. तब तक हमारा माइक्रोवेव ओवन में भी प्रॉन पाई हो चुका होगा और हमारा केक जो है वो भी हो चुका होगा. केक के ऊपर हमें क्या लगाना है, यहाँ जो गनाश ऑलमोस्ट सेट भी हो गई, ये देखें. ठीक है, ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा और ये एपिसोड सारे हायर के शो के देखते रहिएगा. प्रॉन पाई अज्जा. ठंडा मक्खन 100 ग्राम, मैदा 200 ग्राम, नमक एक चुटकी, अंडा ठंडा एक अदद, ठंडा पानी 2-3 खाने के चमचे. प्रॉन फिलिंग के लिए अज्जा, कटे झींगे 100 ग्राम, टमाटो प्यूरी आधा कप, कटी शिमला मिर्च एक खाने का चमचा, कटा लहसुन एक चाय का चमचा, चिकन स्टॉक आधा कप, राइस विनीगर 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, मिल्ट चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे. तरकीब, पेस्ट्री के लिए मैदा, नमक, ठंडा अंडा, पानी और मक्खन मिक्स करके 1 घंटा रख दें. अब टार्ट रोल करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करें. प्रॉन फिलिंग के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन सौते कर लें, फिर इस पर टमाटो प्यूरी, शिमला मिर्च और सॉस डाल के सौते करें. उसके बाद झींगे शामिल करके पकाएं. अब इसमें यखनी, ब्राउन शुगर और सिरका शामिल कर लें, फिर इसमें फटे अंडे मिलाकर पाई पर डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करके सर्व कर दें. फजी चॉकलेट केक बार्स अज्जा. चॉकलेट 8 औंस, मक्खन 170 ग्राम, चीनी 1 कप, मैदा 1/4 कप, अंडे सफेदी जर्दी अलग 6 अदद. फ्रॉस्टिंग के लिए चॉकलेट 8 औंस, क्रीम 1 कप. तरकीब, 8 औंस चॉकलेट को डबल बॉयलर पर पिघला लें, फिर इसमें 170 ग्राम मक्खन शामिल करके मुकम्मल पिघलने दें. पिघले आमेजे को प्याले में डालकर चीनी और मैदा शामिल करें, फिर अंडों की जर्दी को फेंटकर प्याले में डालकर मिलाएं. उसके बाद सफ़ेदी को चॉकलेट वाले आमेजे में मिलाएं. अब बैटर को ग्रीस किए हुए पैन में डालकर ओवन में रखें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30-35 मिनट या केक का क्रस्ट कड़क होने तक बेक करें. फ्रॉस्टिंग के लिए चॉकलेट को क्रीम के साथ डबल बॉयलर पर पिघला लें, फिर इसे ठंडा करके चॉकलेट बार्स पर लगाएं और सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें. ब्रेक से वापस आ गए हैं. वेलकम बैक टू हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी. और प्रॉन पाई तो हमारा हो गया था हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन में, वो मैंने वहाँ रख दिया है टेबल पे. और अब हम निकाल देते हैं अपना केक बार. ठीक है जी. अच्छा, जो गनाश हमने बनाई थी उसको हमने इसके ऊपर स्प्रेड करना है. जस्ट फॉर अ सेकंड मैं इसको गर्म करती हूँ, बिकॉज ये बहुत सेट हो गई है, फिर ये स्प्रेड नहीं होगी. सो हल्का सा इसको गर्म कर दीजिएगा. मिल्क चॉकलेट से कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट से कर सकते हैं. इस केक के अंदर आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, अपनी कोई फेवरेट चॉकलेट डाल सकते हैं चॉप करके. ठीक है, वेरिएशंस आप खुद करिएगा.
जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, बेसिक रेसिपी मैं आपको सिखाती हूँ और आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह इसको क्या करना है। चलिए ये भी हो गया। चॉकलेट जम गई थी। ये देखें, अब ये बिल्कुल ऐसे स्प्रेडेबल है। सो आप इसको इस केक के ऊपर डाल दीजिए, फिर जब ये ठंडा होगा तब हम पीसेस में काट के आपको दिखाएंगे। प्रॉन पाई भी देख लीजिए। चलिए मैं एक बार फिर ज़रा झटपट रिकैप कर दूं कि मैंने प्रॉन पाई किस तरह बनाया था। शॉर्ट प्रेस पेस्ट्री मैंने आपको बनाना सिखाई है बहुत दफ़ा। 200 ग्राम आप लीजिएगा मैदा, उसमें डालिएगा चुटकी भर नमक, 100 ग्राम होना चाहिए उसमें ठंडा मक्खन फीका अनसॉल्टेड वाला, एक अदद अंडा ठंडा और 2 से 3 टेबल स्पून ठंडा पानी, ठीक है। और मिक्स करके गूंद के 2-3 घंटे फ्रिज में रख दीजिएगा, निकालिएगा, बेलिएगा, पाई प्लेट के शेप में रख दीजिएगा, उसके साइज़ का बेलिएगा और फिर आप एजेस काट लीजिएगा एक्स्ट्रा हो तो। फिर इसको मैंने हायर के बिल्ट इन अवन में रख के बेक कर दिया 10 मिनट तक। जब वो ब्राउन हो गया तो निकाल दिया और उसके बाद उसके ऊपर जो हमने प्रॉन का पूरा मिक्सचर बनाया था, मक्खन था उसमें हमने लहसुन डाला, टमाटो पेस्ट था, कैप्सिकम था, सॉसेज में मैंने इसमें सोया सॉस डाला, चावल का जो सिरका होता है राइस विनेगर वो डाला, चिली सॉस डाला और ब्राउन शुगर इसमें गई थी और इसमें चिकन का स्टॉक क्यूब गया था। हर चीज़ मिक्स कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा और जब ये ठंडा हो जाए एक अदद अंडा मिक्स करके फिर इसको स्टार्ट के बेस पे डाल दीजिएगा और इसके अंदर रख दीजिएगा हायर के माइक्रोवेव अवन में रख दीजिएगा, ठीक है। फिर जब ये हो जाए तो निकाल के आप उसको वेजेस में काट के सर्व कर दीजिएगा किसी सैलड के साथ या पोटैटो सैलड के साथ, ग्रीन्स के साथ, ठीक है। और जो ये फजी केक बार्स हैं वो भी बहुत ही आसान है। 6 अदद अंडे इसमें गए थे, मैदा बहुत कम क्वांटिटी में है, 6 अदद अंडे आप इसमें लीजिएगा, सेपरेट कर दीजिएगा, सफ़ेदियों को खूब अच्छी तरह बीट करके एक तरफ रख लीजिएगा और जो जर्दियाँ हैं उसमें आप 1 कप चीनी डालिएगा, 1/4 कप मैदा डालिएगा, 8 ounces चॉकलेट लीजिएगा, उसको एक पैन में डाल के मक्खन के साथ 170 ग्राम्स मक्खन के साथ मेल्ट करके एक तरफ रख लीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अंडे की जर्दियों में उसको डाल दीजिएगा। हर चीज़ अच्छी तरह बीट करके सफ़ेदियों को जो आपने अलग से पहले बीट की हो वो भी उसमें डाल दीजिएगा और फिर आप बेक करने रख दीजिएगा हायर के अवन में, ठीक है। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसके ऊपर ये गनाश डाल दीजिएगा जिसमें सिर्फ चॉकलेट था और क्रीम था, और फिर कोई डेकोरेशंस के लिए कोई भी चीज़ें हों तो स्प्रिंकल्स डाल दीजिए, टेंस एंड थाउजेंड्स डाल दीजिए, वट एवर यू लाइक। सो आई होप आपने ये एपिसोड देखा होगा, आप ये रेसिपीज ट्राई करेंगे। फ्राइडे को, जुमे को शाम को 6 बजे हमारे साथ रहिएगा, रात में ये शो 10 बजे रिपीट होता है तो देखना मत भूलिएगा। चलिए जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।